नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों की ओर। जापान के पीएम के साथ मोदी ने लस्सी बनाई, किशिदा के साथ दिल्ली में गोलगप्पे भी खाए, मोदी को G7 समिट का न्योता दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर कसा तंज, बोले कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार, ये देश किसी एक का नहीं है। टीएमसी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 2 बार भाजपा का मुकाबला करने में असफल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का ममता परिवार, कहा ममता दीदी का सबसे बड़ा मकसद पीएम मोदी को खुश करना है। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता कभी काम नहीं करेगी क्योंकि यह अस्थिर और अलग है। बेमौसम बारिश से प्रदेश में किसानों को हुआ भारी नुकसान, सीएम योगी ने दिया तत्काल राहत देने का निर्देश। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को राहत, जिला न्यायालय से मारपीट मामले में दोषी करार दिए गए नंदगोपाल गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली जमानत। राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने दी राम जन्मोत्सव की जानकारी, कहा भव्य रूप देने के लिए समिति गठित, पूरी तैयारी कर ली गई है। कानपुर में करौली सरकार बाबा पर FIR दर्ज, डॉक्टर ने कहा मैंने चमत्कार होने से इनकार किया तो गुंडों से कमरे में बंद कर पिटवाया। याकूब पर कसा शिकंजा, रुतबा होगा कम, मर्सिडीज समेत 32 लग्जरी गाड़ी और जमीन हॉस्पिटल और स्कूल होंगे जब्त। फ्रांस में रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाला बिल बना कानून, मैक्रो सरकार ने दोनों अविश्वास मत जीते, लोगों का प्रदर्शन जारी। लंदन के बाद यूएस में इंडियन कंसुलेट पर हमला, खालिस्तान के झंडे लगाए, दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन। नेपाल में पीएम प्रचंड ने जीता फ्लोर टेस्ट, 172 वोट मिले, सत्तारूढ़ गठबंधन को विरोध में सिर्फ 89 मत ही पड़े। एप्पल के डिवाइस यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी, जासूसी की आशंका के चलते रूसी सरकार ने लिया फैसला। मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द, PNB घोटाले के आरोपी ने इंटरपोल में अपील की थी, CBI ने चुप्पी साधी। ला लीगा 2023 में 293 एल क्लासिको में वर्सेलिना की 100वीं जीत, रियल मैट्रिस को 2-1 से हराया। 2 महीने तुर्की में अभ्यास करेंगे नीरज चोपड़ा, 61 दिवसीय इस अभ्यास की टॉप्स करेगा फंडिंग, ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में बहाएंगे पसीना। शाहिद अफरीदी ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा जालिम, नाम लिए बगैर बोले जहां जालिम होगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। विमेन प्रीमियर लीग में रोमांचक हुई प्लेऑफ की रेस, दिल्ली ने 9 ओवर में चेंज किया 110 का टारगेट, पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचे। UPWPL प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम गुजरात को 3 विकेट से हराया, ग्रेस हैरिस ने खेली 52 रन की मैच जिता पारी। शांतनु महेश्वरी करेंगे OTT डेब्यू, वैम्पायर और इंसान की केमिस्ट्री पर बेस्ड है इनकी सीरीज, 20 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। सलमान खान के घर के बाहर पुलिस से चौकी, 2 इंस्पेक्टर और 8 से 10 कांस्टेबल तैनात, गोल्डी लॉरेंस से धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई। जी रहे थे हम गाने का टीजर रिलीज हुआ है, किसी का भाई किसी की जान के गाने को सलमान खान ने दी आवाज।
एक्टर दीपक तिजोरी के साथ करोड़ों की ठगी। फिल्म मेकिंग के लिए प्रोड्यूसर को दिए थे 2.6 करोड़, अब वापस लौटाने में कर रहा आनाकानी। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सुहाना खान, सिंपल लुक में आई नजर। वीडियो देखकर फैंस बोलेंगे दीपिका पादुकोण लगने लगी हैं। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।